आप लोग यकीन नहीं करोगे कि ये वाले इतने एम्ब्रॉयडर्ड ब्यूटीफुल ब्लाउज मैंने बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ढूंढे हैं एंड आई फाउंड दिस ब्रांड. बताती हूँ, चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल. माय नेम इज सिमरन. आज की वीडियो में मैं आपको ये सारे ब्लाउजेस दिखाऊंगी एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगर आप मुझे जानते हो तो आई जस्ट लव बाइंग ब्लाउजेस और मुझे स्टाइल करना ब्लाउजेस को बहुत ज़्यादा पसंद है. बट मेरे साथ एक पंगा रहता है कि आई लाइक क्वालिटी ब्लाउजेस जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, बिकॉज ब्लाउज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती. मैं फुटवेयर और ब्लाउज दोनों चीज़ें जिनमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ. सो मुझे एक ब्रांड मिला है विच इज़ जस्ट परफेक्ट फॉर माई नीड्स, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि अगर मुझे बहुत अच्छा कोई ब्लाउज लग रहा है ना और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सो आई कॉन्ट गेट दम स्टिच. मैं बाहर जाके सिलवाने वाला झंझट नहीं कर सकती, अब इतना टाइम नहीं है बिल्कुल भी. तो मुझे एक ब्रांड मिला जिसमें कि मुझे ऐसी क्वालिटी मिली जो कि बहुत दूसरे ब्रांड्स में भी आती है, बट दे चार्ज रियली हाई प्राइस फॉर देयर ब्लाउजेज. और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इनफैक्ट वामस है, सलवार स्टूडियो है, ये लोग काफ़ी चार्ज करते हैं ब्लाउज का. दो देयर क्वालिटी इज़ ऑल्सो अमेजिंग, बट जो मुझे ये ब्रांड मिला है इसकी क्वालिटी उनकी टक्कर की है एंड द प्राइजेज आर लो कंपेरेटिवली. तो वो चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी. चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. एंड आई फाउंड दीज ऑल ऑफ ब्लाउज फ्रॉम दिस, मैं ब्रांड का नाम ही भूल जाती हूँ, आई थिंक द फिगर्स डिजाइनर. डोंट वरी, मैं लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. एंड ये कस्टमाइज़ करते हैं ब्लाउज़ को. दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस ब्रांड, बट मुझे ब्रांड इतना पसंद आया कि मैंने सारे ब्लाउज ऑर्डर किए. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज. स्टार्टिंग दिस वीडियो विद द फर्स्ट ब्लाउज एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्लाउज इन द हॉल, वो है ये सुंदर सा, बिल्कुल राजस्थानी वाली वाइब्स दे रहा है. मुझे बहुत सुंदर वर्क है पूरे ब्लाउज पे. एंड अगर मैं इनके अस्तर की बात करूँ तो इनके अस्तर की क्वालिटी एग्जैक्टली वामस जैसी है, बट द प्राइजेज आर प्रीटी लो. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, लोगों ने क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. कप्स की क्वालिटी भी ठीक है, हल्के से हार्ड आते हैं कंपैरेटिवली, बट वो इतना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है. बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ब्लाउज है, द कट इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी. एंड ये आप नवरात्रि में आराम से कैरी कर सकते हो विद लहंगाज, विद साड़ीज, बहुत सुंदर लगेगा. एंड दिस इज़ द बैक पोर्शन, तो कुछ इस तरीके से ये ब्लाउज आता है. दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रिटी ब्लाउज एंड आई विल हाईली हाईली रिकमेंड दिस. इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है और ये जो ब्रांड है ने कस्टमाइज़ कर लेता है आपके हिसाब से. आप वहाँ पर अपना मेजरमेंट डाल सकते हो और उस हिसाब से आपको ब्लाउजेस की फिटिंग आती है, जो ब्लाउज आपको रिसीव होता है. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बिल्कुल ऑल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, दैट गिव्स यू वेरी नाइस ब्लाउजेस. मूविंग ऑन टू अनदर पीस दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज, चलो मैं आपको एक येलो ब्लाउज दिखाती हूँ. इज दिस ब्यूटिफुल ब्लाउज, और इनके पास स्लीव्स और स्लीवलेस दोनों तरीके के ब्लाउज हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो. एंड एक एक ब्लाउज में काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी हैं, तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक दो कलर ही मिलता है. सो आई वॉट दिस रियली ब्यूटिफुल येलो मिरर वर्क ब्लाउज. मिरर वर्क जैसा लगता है बट इसमें सीक्वेंस दिया गया है ये बड़े वाला, और बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज है ये. इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल. आप इसे बहुत सारी साड़ीज़ के ऊपर स्टाइल कर सकते हो. इट विल लुक वेरी नाइस और बहुत ही, मतलब ऐसा लगता है कि डिज़ाइनर सा पीस है, आपने काफ़ी महंगे में खरीदा होगा, बट इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. द फिटिंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस और क्वालिटी इज़ 10/10. नेक्स्ट ब्लाउज जो मैंने ऑर्डर किया है वो है ये बहुत ही सुंदर सा एक ब्लाउज, और इसकी जो फिटिंग है ना बहुत ज़्यादा प्यारी आई है. मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया. जैसे मैंने एक्यूरेट मेजरमेंट्स दिए थे अपने बस्ट वगैरह के, तो ये बिल्कुल सही आया है मुझे, और इस तरीके से इसमें डिज़ाइन आएगा. ये 3-4 कलर्स में अवेलेबल है, येलो टोन में भी, आई थिंक एक ग्रीन टोन में मिल जाता है ये, और इस तरीके से इसका फैब्रिक आता है. तो फैब्रिक इज़ ऑल्सो वेरी नाइस और बहुत ही बढ़िया सा पीस है. फिटिंग बढ़िया आती है और किसी भी साड़ी के साथ स्टाइल करेंगे बहुत सुंदर लगेगा. मुझे लगता है कि सिल्क साड़ी के साथ, जो थोड़ी प्लेन बॉर्डर वाली साड़ीज़ होती है ना, उनके साथ तो ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है. सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस ब्लाउज, और इस तरीके से इसका बैक पोर्शन आएगा. इनके ब्लाउज स्टॉक आउट भी काफ़ी जल्दी होते हैं, सो यू कैन ग्रैब विच एवर यू लाइक. नेक्स्ट मैंने एक ब्लाउज ऑर्डर किया है, वो है ये बहुत ज़्यादा सुंदर कलर. बहुत प्यारा लग रहा है कलर, पर इसमें एक चीज़ है कि इसमें आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा साड़ी के साथ कि कौन सी साड़ी आप इसके साथ स्टाइल करोगे. आप इसमें के साथ डार्क ग्रीन साड़ी पहन सकते हो, आप इसके साथ ब्लू साड़ी पहन सकते हो. मतलब वैसे तो बहुत सारे कलर्स के साथ जाएगा, बट थोड़ा सा सेलेक्टिव रहेगा. बहुत ज़्यादा सुंदर सा ब्लाउज है, वीनेक आती है इस तरीके. सबसे अच्छी बात है इसका वीनेक काफ़ी डीप नहीं है, जस्ट परफेक्ट. और इस तरीके से इसमें वर्क दिया गया है पूरे ब्लाउज में. मुझे ये ब्लाउज पर्टिकुलरली बहुत सुंदर लगा, और इसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं. जो भी आपकी साड़ी के मैचिंग का हो आप खरीद सकते हो. मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से इनकी फिटिंग और इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है मुझे. मैं तो फ़ैन हो गई हूँ इस ब्रांड की, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्रांड्स से ब्लाउज खरीदे हैं. दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव जब आप इस क्वालिटी पे आते हो, बट इसने दिल खुश कर दिया मेरा. मूविंग ऑन टू अनदर ब्लाउज सिमिलर पैटर्न में, मतलब वीनेक में ही मैंने एक और ब्लाउज खरीदा है. थोड़ा प्लंज नेक आता है, बिल्कुल सब्यसाची स्टाइल में है. इस तरीके से स्लीव्स आएंगी. मैंने बाद में चेक किया कि मैंने ये गलत साइज में ऑर्डर कर लिया, थोड़ा सा बड़ा आ गया एक नंबर. बट एनीवेज इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. आ येलो कलर ब्लाउज को मैं एक्सचेंज पर दे दूंगी अभी. इसमें सीक्वेंस का काम है पूरे ब्लाउज में इस तरीके से, और इसमें आपको इस तरीके से डोरी मिलेगी पीछे. बैक में इसमें डीप यू नेक आता है, एंड फ्रंट में ये प्लंज नेक लाइन आएगी थोड़ी वी वाली. लुक एट द कलर, और ये मल्टीपल
लहंगाज सारी के साथ ही आराम से जाएगा. सो इट्स अ वेरी नाइस मस्ट हैव पीस इन योर वार्डरोब. और इसमें भी कलर्स अवेलेबल हैं एज आई हैव टोल्ड यू, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से. और बहुत सॉफ्ट है, इनके जो सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी है बिल्कुल भी नहीं चुभते हैं. नेक्स्ट आई हैव ऑर्डर्ड दिस वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ ब्लाउज. सिंपल अभी आपको देखने में एकदम प्लेन वी नेक ब्लाउज लग रहा होगा, बट जब मैं ट्राई ऑन में दिखाऊंगी यू विल सी कि इसमें इस तरीके से डोरी दी गई है जो पीछे बन जाती है, और उसकी वजह से ये काफ़ी फैंसी लगता है देखने में. फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है और कप्स आते हैं इसके अंदर. इफ़ यू रियली लाइक दिस काइंड ऑफ ब्लाउज, थोड़े से फैंसी लुक में होते हैं स्पेशली सेक्सी बैक वाले, तो ये आपको बहुत पसंद आने वाला बिकॉज इट लुक्स वेरी वेरी नाइस व्हेन एवर यू वेयर इट. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. इसमें भी डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो. द फैब्रिक इज सुपर सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल ब्लाउज. सबसे अच्छी बात है कि इसमें डिजाइन तो दिया गया है बट ये बैक से अनकंफर्टेबल नहीं होता, मतलब साइज वगैरह सब अच्छे से बना कर दिए हैं. नेक्स्ट मैंने एक और प्लेन ब्लाउज खरीदा इन लोगों से, वो है ये पिंक कलर का, विच इज अ यूनिक ब्लाउज. सिंपल इस तरीके से ब्लाउज आया है, ये बैक इस तरीके की आएगी इसकी. तो मैजेंटा कलर का ब्लाउज मुझे काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज ये मेरी बहुत सारी साइज के साथ जाएगा, और आपको तो पता ही है ये कलर मेरा कितना ज्यादा फेवरेट है. तो मेरे पास इस स्टाइल में आई थिंक नेकबुक का ब्लाउज था, दैट वाज काफ़ी एक्सपेंसिव था, वो मैंने काफ़ी पैसों में लिया था, बट ये मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है. सॉफ्ट फैब्रिक है, फिटिंग बढ़िया आ रही है, तो मैं तो आपको ये वाला रिकमेंड करूँगी. ये काफ़ी कम, उससे काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा आपको, और इसमें भी कलर्स अवेलेबल है, तो अब जो भी आप कलर चाह रहे हो यू कैन ट्राई दैट आउट. लास्ट पीस ऑफ टुडेज वीडियो इज दिस ब्यूटिफुल ब्लाउज. अगेन रिमाइंड्स मी ऑफ नवरात्रि, बट बहुत ही सुंदर सा काम है, सीक्वेंस है, एम्ब्रॉयडरी है, कलर्स हैं बहुत सारे, और वी नेक आता है फ्रंट में. दिस इज द बैक पोर्शन. काफ़ी सेक्सी लुकिंग ब्लाउज है और पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लगता है. प्लेन साड़ीज के साथ ना ऐसे हैवी डिजाइनर ब्लाउज बहुत बढ़िया लगते हैं. एंड अगेन लहंगा के साथ तो आप इसे पहन ही सकते हो, बट मुझे लगता है कि प्लेन साड़ी के साथ ये बहुत अच्छे से जाएगा. बेस कलर की ग्रीन साड़ी हो या पिंक साड़ी हो, इसके साथ ऑरेंज भी चल जाएगी इस पर, मतलब जो जो इसमें कलर्स हैं वो आप सारे कॉन्ट्रास्ट करके इसके साथ पहन सकते हो. इट विल लुक वेरी नाइस. अगर मैं फिटिंग की बात करूँ, इसकी फिटिंग भी एकदम बढ़िया आई है. ऐसे नहीं होता कि स्ट्रैप्स वगैरह गिर रहे हैं, इनकी फिटिंग अच्छी है काफ़ी. सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि सारे ही ब्लाउजेस आपको पसंद आए हों. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आप मुझे बताओ कि मैं फेस्टिव सीजन आ रहा है तो और कौन कौन सी टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आऊँ. आई विल जस्ट चेक ऑल द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो बिकॉज आजकल मुझे ना थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मेस गोइंग ऑन. आपको तो पता ही है, दो दो बच्चे, घर, काम हो जाता है, बट धीरे धीरे चीज़ें पेस पे आ रही हैं. आई एम वर्किंग टूवर्ड्स एवरीथिंग. मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा काम बांटना शुरू करूँ. अब आई विल हायर समबडी जो कि मेरी हेल्प कर सके शूटिंग वगैरह में. चलो देखते हैं, अभी धीरे धीरे काम बढ़ाएंगे जिससे कि मैं थोड़ी सी फ्री हो पाऊँ और मैं सोच पाऊँ, बिकॉज अगर आप पूरे दिन काम 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 करते रहते हो ना तो फिर आप सोच नहीं पाते, और सोच नहीं पाओगे तो फिर काम बड़ा नहीं हो सकता. सो दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम जो कि अभी मैं चैलेंज थोड़ा सा फेस कर रही हूँ, बट एनी वेज आई विल मैनेज एवरीथिंग एल्स. बाकी देखते हैं, कोई किसी को हायर करते हैं, मेरे आसपास लोकेलिटी में कोई मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है. सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट मंथ.